Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up essay 210 together, which is agreeing the terms of audit engagement. We have already covered a lot of essays. In case you have not seen them, you can check out the videos on this channel. Right, the notes which I'm going to use are given in the description box below. You can get them from there. And so let's start with our topic, which is essay 210, agreeing the terms of audit engagement. नाम से क्या पता चल रहा है कि जो ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस बेसिस पर यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, यू हैव गॉट एंगेज्ड एज एन ऑडिटर, उसमें कौन से टर्म्स हैं, उस पर कैसे अग्री करना है, अग्री नहीं किया तो क्या होगा, अग्री किया तो क्या होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एसे. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू दिस एसे. जब भी हम ऐसे 210 पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए, इनफैक्ट कोई भी ऐसे पढ़ते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए ऑडिटर का, या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस पर्टिकुलर ऐसे की. ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं, ये हमें अगर नहीं पता तो इट्स बेसलेस कि हम कोई भी ऐसे पढ़ रहे हैं. तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, एंड देन वी शुड नो द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स मेंशनड इन द पर्टिकुलर ऐसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज़ कि जो भी टर्म्स हैं ऑफ द एंगेजमेंट, क्या उस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बेसिस पर वेदर द ऑडिटर वॉन्ट्स टू कॉन्टिन्यू विद द ऑडिट एंगेजमेंट इन केस द ऑडिट एंगेजमेंट इज अ रेकरिंग वन, और ही और शी वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट इन केस ऑफ द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. सो दिस इज वॉट द ऑडिटर नीड्स टू डिसाइड. कैसे डिसाइड करेगा? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बेसिस पर डिसाइड करेगा वेदर दे हैव बीन अग्रीड by the client or not. क्या preconditions जो इस essay में बताई हुई हैं वो preconditions establish हुई हैं, वो exist कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? अगर वो preconditions exist नहीं कर रही, client आपके साथ agree नहीं कर रहा with the terms of engagement, तो उस case में auditor को क्या accept करना चाहिए, नहीं करना चाहिए in case of initial audit engagement, या फिर in case of recurring audit क्या उसको continue करना चाहिए with this engagement or not. This is the objective of the auditor. ओके, नाउ रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसे 210 की बात करते हैं. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट वन इज़ द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड सेकेंड वन इज़ द रेकरिंग ऑडिट. क्योंकि दोनों ही तरीके के ऑडिट एंगेजमेंट हो सकते हैं. व्हेन यू नीड टू डिसाइड वेदर यू नीड टू इशू द लेटर ऑफ एंगेजमेंट और नॉट, और व्हाट वुड बी द कंटेंट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द लेटर ऑफ एंगेजमेंट, दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कंसिडर. सो इनिशियल के लिए अलग, रेकरिंग के लिए अलग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंसिडरिंग द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट फॉर माई डिस्कशन. सो इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, अगर चेक करो मैनेजमेंट ने, आपका कोई ना कोई स्कोप ऑफ ऑडिट होगा, आपका जो ऑडिट का स्कोप है उस पर कोई भी लिमिटेशन लगाई हुई है या नहीं? अगर लगाई हुई है तो क्या आपको ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? अभी तो आपका इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू डू द ऑडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, एंड दिस क्लाइंट इज इम्पोजिंग द लिमिटेशंस ऑन योर स्कोप. यू हैव टू डिसाइड वेदर यू विल एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट और नॉट. See, in that particular case, when this is an initial audit engagement and the management is imposing limitation of on scope, then the auditor should not accept the audit. But he should or accept the audit only in case it is compulsorily required by the law or regulation. Kisi law ya regulation mein likha hai, nahi nahi, aapko to karna hi padega. Then in that case only you will have to accept the audit, otherwise not. ओके, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैनेजमेंट कोई भी लिमिटेशन ना लगाए हमारी स्कोप पर, हो सकता है. तो अगर कोई स्कोप पर लिमिटेशन नहीं लगाई तो बहुत बढ़िया, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ. एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब आप चेक करो कि क्या जो प्री कंडीशंस हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. प्री कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, इनको कंसिडर करो. अगर आपको लगता है प्री कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो और लेटर ऑफ एंगेजमेंट को इशू कर दो, ठीक है. लेकिन अगर प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में आप क्या करोगे? मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करो कि ये प्री कंडीशंस हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं. तो अगर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने के बाद यू रियलाइज़ कि आपका जो एफआरएफ है
वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, बेसिकली जो प्री कंडीशंस बनती हैं वो कंप्लाई नहीं हो रही हैं, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आप ऑडिट कब कब एक्सेप्ट नहीं करते? एक तो पहली जगह पर आप रुक गए, पहले ही स्टेप पे रुक गए, मतलब आपके स्कोप पर लिमिटेशन लगा दी मैनेजमेंट ने, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। या फिर दूसरा स्टेप, आपका प्री कंडीशंस तो एग्जिस्ट कर रही थी बट जो नो सॉरी द मैनेजमेंट डिड नॉट इम्पोज एनी लिमिटेशन ऑन योर स्कोप बट द प्री कंडीशंस वर नॉट एग्जिस्टिंग, सो बिकॉज ऑफ दिस यू विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। सो देयर दीज आर द टू केसेस वेयर यू वोंट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। राइट, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब प्री कंडीशंस क्या होती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग में तो क्वेश्चन आ गया होगा जैसे ही हमने पढ़ा प्री कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना प्री कंडीशंस का मतलब क्या है। तो प्री कंडीशंस का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल दी एक्सेप्टेबल FRF, जो FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंटिटी अप्लाई कर रही है दैट शुड बी एक्सेप्टेबल। ओके, सेकेंडली मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ जी मुझे पता है मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ मैनेजमेंट। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मैनेजमेंट की? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट। किसके हिसाब से बनाता है? FRF के हिसाब से। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो एंटिटी पर जो जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाने की ज़रूरत है उनको लगाए, उनको मेंटेन करे और अच्छे से उनकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करे। राइट, दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये भी उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की? अब आप बताओ, ऑडिटर आया है, ऑडिटर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या ये ऑडिटर को प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। अगर ऑडिटर को रेलेवेंट रिकॉर्ड्स देखने के बाद कुछ लगता है मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की बनती है? बिल्कुल बनती है। तो ये भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बींग अ मैनेजमेंट, बींग द मैनेजमेंट। ऑल्सो अगर आपकी एंटिटी के अंदर जो जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करने का आपने ऑडिटर को इजीली एक्सेस नहीं दिया, तो उस केस में बताओ ऑडिटर फ्रीली ऑडिट कर पाएगा? नहीं। ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना ज़रूरी है उन पर्सन्स के साथ जो एंटिटी में हैं, एंटिटी के अंदर जो जो लोग हैं उनसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर पाए आपका ऑडिटर, ऐसा एक्सेस देना पड़ेगा। सो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोली मैंने मैनेजमेंट की? तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबसे पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को FRF के हिसाब से बनाना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा मैंने बोला कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ज़रूरी इंटरनल कंट्रोल्स हैं, नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स हैं, उनको एक्सरसाइज करना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा, तीन चीज़ें ऑडिटर को प्रोवाइड करना ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग इज़ दी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस, सेकेंड वन इज़ दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड बाय दी ऑडिटर, एंड थर्ड वन इज़ दी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट विच मैनेजमेंट शुड एक्नॉलेज एज अ प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। सो दीज आर दी प्री कंडीशंस पता होंगी तो ही आप डिसाइड कर पाओगे। पहले ये आपका दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? लिमिटेशन ऑन स्कोप चेक करना है या नहीं है। नहीं है, बहुत बढ़िया, दूसरे स्टेप पे जाओ। दूसरा स्टेप क्या था? प्री कंडीशंस चेक करना। प्री कंडीशंस हैं, बहुत अच्छे, एक्सेप्ट करो। प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करी, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो और फिर ऑडिट को एक्सेप्ट मत करो अगर एक्सेप्टेबल FRF नहीं है या फिर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दोनों में से कोई भी एक प्री कंडीशंस नहीं एग्जिस्ट कर, प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही इन दैट पर्टिकुलर केस, यू विल हैव टू रिजेक्ट और यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ दैट एंटिटी। ओके, नाउ ये हमने पढ़ लिया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में। अब आ जाते हैं रिकरिंग ऑडिट के केस में। रिकरिंग ऑडिट के केस में ऑडिटर को एक बार बताओ, पहली बार ऑडिट कर रहा है या फिर पहले कर चुका है? पहले कर चुका है। पहले जब कर चुका था तब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से उसने सारी चीज़ें चेक करी होंगी? बिल्कुल करी होंगी। अब जब दोबारा ऑडिट कर रहा है तो उस केस में क्या वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो उसने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम बनाई थी
वो कंटिन्यू कराता चला जाएगा या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। बिल्कुल चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं चेंजेस की वजह से, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट, एंटिटी में ओनरशिप चेंज होना या फिर जो भी पर्सन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, नेचर साइज एंटिटी का बदल रहा है, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ऑडिटर को अगर लग रहा है कि जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट उसने पहले बनाए थे उसमें कुछ ना कुछ रिविजन करने की ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसे टर्म्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे पहले भी और आज की डेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एंटिटी कि मैनेजमेंट को एक बार ही दोबारा से याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो उन ऐसे वाले केसेस में जहाँ रिविजन की ज़रूरत है या फिर रिमाइंडर की ज़रूरत है, ऐसे केसेस में ऑडिटर को क्या करने की ज़रूरत है, ऑडिटर को पहले डिसाइड करना है वेदर दिस रिविजन और रिमाइंडर इज़ रिक्वायर्ड। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो क्या करोगे, लेटर ऑफ एंगेजमेंट को या तो नया बना के दे दोगे या फिर रिवाइज करके दे दोगे, वॉट एवर बी द केस। ऑल्सो अगर ऐसा लगता है कि रिविजन या रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है तो क्या फिर से लेटर ऑफ एंगेजमेंट देने की ज़रूरत है, नहीं, जब पहले वाला ही आपका आगे काम कर रहा है वाई टू गिव दी लेटर ऑफ एंगेजमेंट अगेन इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, आप ऑलरेडी एक बार तो दे ही चुके हो। तो इसीलिए अगर कोई रिमाइंडर या रिविजन करने की ज़रूरत नहीं है इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, सो इन दैट पर्टिकुलर केस देर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आप कोई भी लेटर ऑफ एंगेजमेंट को इशू करो। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि रिविजन इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करने की ज़रूरत लग रही है, ऐसा कैसे पता चलेगा, कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे ना, ऐसी थोड़ी ना आप बोल सकते हो कि भाई रिविजन करना है, रिविजन किस बेसिस पर कर रहे हो, कैसे डिसाइड किया यू वॉन्ट टू चेंज और यू वॉन्ट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सो देर आर सम फैक्टर्स विच गिव यू अ हिंट कि हाँ आपको रिविजन करने की ज़रूरत पड़ सकती है इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सो वॉट आर दीज फैक्टर्स, लेट अस कंसिडर वन बाय वन। So the factors or circumstances which require the revision in terms of engagement may be divided likewise I have mentioned, मैंने क्या किया change वाले points एक साथ इकट्ठे कर दिए and the other point I have written it separately। So छोटा वाला point पहले cover कर लेते हैं, क्या कि आपको ऐसा लग रहा है कि entity जो आपकी scope है audit का, आपका जो objective है audit का, ऑब्जेक्टिव इफ़ यू रिमेंबर ऐसे 200, तो इसके ऊपर कोई ना कोई उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपने कुछ बोला था, आपका कुछ और स्कोप था, आपका कुछ ऑब्जेक्टिव था, लेकिन मैनेजमेंट कुछ और समझ रही है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी इस चीज़ का कुछ इंडिकेशन मिल रहा है, कुछ हिंट मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली आपको उनको एक रिमाइंडर देने की ज़रूरत पड़ सकती है या रिविजन करने की ज़रूरत पड़ सकती है इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सो या यू कैन डू दैट। तो ये कुछ फैक्टर है, ये एक सिचुएशन है जो आपको हिंट दे रही है टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और टू रिमाइंड देम द एग्जिस्टिंग टर्म्स, राइट। सो एक पॉइंट तो ये हो गया, बाकी के जितने फैक्टर्स हैं ना सब में चेंज वर्ड घुसा हुआ है, चेंज जिसमें हुआ चेंज उसमें हुआ, तो इन चेंज की वजह से देर इज़ अ हिंट कि आपको रिविजन कर लेना चाहिए। तो वॉट आर दीज चेंजेस पर्टिकुलरली, लेट अस कंसिडर देम फॉर वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ दी सीनियर मैनेजमेंट का चेंज, सीनियर मैनेजमेंट जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करते हो सारी की सारी, उसी में चेंज आ गया अचानक से, एकदम से अभी अभी आपकी सीनियर मैनेजमेंट की कंपोजिशन में देर इज़ अ चेंज। सो व्हाट विल यू डू, ऑब्वियसली यू नीड टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि हो सकता है द पर्सन यू वर डीलिंग बिफोर इज़ नॉट द सेम एंड इज़ ऑफ नॉट द सेम नेचर, हो सकता है उनको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट किस तरीके से चाहिए या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितने अच्छे से समझ रहे हैं, यू नीड टू कंसिडर दिस फैक्ट। सो दैट इज़ वाई देर मे बी अ रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट। सेकेंड चेंज वुड बी द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट या फिर स्पेशल टर्म्स, पहले जो टर्म्स थे उसमें आपको लगता है नहीं नहीं मुझे ये वाला पर्टिकुलर टर्म कुछ स्पेशल डालना चाहिए, कुछ न्यू डालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ समथिंग, राइट। सो आपको कुछ ऐसा लगा सर्कमस्टांसेस कि मुझे कुछ स्पेशल टर्म्स डालने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली आप रिविजन करोगे तभी तो स्पेशल टर्म्स डाल पाओगे, राइट। ओनरशिप में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है, मेंबर्स शेयर होल्डर्स इसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है, आपको तो अपनी रिपोर्ट को उनको दिखाना होता है, एजीएम में दिखानी पड़ती है, ओनरशिप में इतना फ़र्क आया है तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है ना अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कुछ रिविजन करने की ज़रूरत पड़ जाए, बिल्कुल हो सकता है। ऑल्सो आपने जो
प्री कंडीशंस पढ़ी थी। प्री कंडीशंस में था एक्सेप्टेबल FIF के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, आपने जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम FRF जो अप्लाई होता हुआ देखा था वो बिल्कुल ठीक था, एक्सेप्टेबल था। अब क्या हुआ, मैनेजमेंट अपने FRF को चेंज करने का सोच रही है, वो FRF भी एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हो सकता है एक्सेप्टेबल ना भी हो, यू नीड टू कंसिडर दैट फैक्ट। तो आपको FRF में अगर कोई चेंज आता है तो बिल्कुल बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, बिल्कुल लाने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज लाना पड़ रहा है, क्वाइट ऑब्वियस। या फिर आप रिपोर्टिंग जिस तरीके से कर रहे थे, देर आर सम चेंजेस इन द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, नाउ यू हैव टू कम्प्लाई विद सम अदर रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग। सो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो यू विल डेफिनेटली रिवाइज दी टर्म्स ऑफ योर एंगेजमेंट। क्यों? क्योंकि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के फॉर्म और कंटेंट में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो इसलिए क्योंकि आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में दिया होगा इन केस ऑफ व्हेन यू वर कंडक्टिंग द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, नाउ इट्स द रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट, सो देयर माइट बी चांसेस कि आपको कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हो जाए। ऑल्सो एक सबसे बड़ा फैक्टर, आपकी जो एंटिटी है उसका नेचर ही बदल गया, उसका साइज़ ही बदल गया। पहले बहुत छोटी कंपनी थी, अब अचानक से बहुत बड़ी कंपनी हो गई। पिछले साल तक टर्नओवर इतना नहीं था, इतनी बूमिंग नहीं थी, इतने प्रॉफिट्स नहीं थे, अब अचानक से बहुत ज़्यादा मार्केट साइज़ कैप्चर कर लिया, टर्नओवर बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। तो आप बताओ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या पहले वाले चल जाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, स्कोप में चेंज आएगा आपके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिग्निफिकेंट चेंज आने की वजह से यू विल डेफिनेटली कंसिडर रिवाइजिंग योर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन दिस केस। सो या, दीज आर सम फैक्टर्स विच यू नीड टू सी, दीज माइट बी गिविंग यू सम इंडिकेशन दैट यू नीड शुड रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ओके, सो हमने फैक्टर्स कवर कर लिए, हमने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम और रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम का सब कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए कि क्या क्या होगा। अब बात करते हैं, हो सकता है ना आपने लेटर ऑफ एंगेजमेंट दे दिया, अब आप ऑडिट करना स्टार्ट कर चुके हो, आपका ऑडिट चल रहा है, ऑडिट चलते चलते आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपसे बोलती है कि मुझे कुछ टर्म्स में चेंज करने की रिक्वायरमेंट लग रही है, या मैं चाहती हूँ एज अ मैनेजमेंट कि आप ये वाले जो टर्म्स हैं ना इसमें थोड़े चेंजेस कर दो। तो आप को क्या लगता है, सबसे पहले आपका क्या दिमाग में आना चाहिए? आप तो स्केप्टिकल हो, ऑडिटर स्केप्टिकल होना चाहिए, आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए क्यों, है ना? तो क्यों, आप सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछोगे कि आप चेंजेस के लिए क्यों बोल रहे हो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या चेंज करवाना चाहते हो, क्यों करवाना चाहते हो, देखो वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, रीज़न देते हैं इसके पीछे, चेक करो क्या है वो जस्टिफिकेशन, रीज़न रीजनेबल भी है या नहीं है, और क्या ये जो चेंजेस वो बोल रहे हैं इसकी वजह से मेरे लेवल ऑफ एश्योरेंस पे क्या डिफरेंस आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है, क्योंकि मुझे तो रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देनी है, एब्सोल्यूट तो मैं दे ही नहीं सकती इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से, सो मुझे रीजनेबल एश्योरेंस तो चाहिए चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो चेंज की बात कर रहे हैं उसकी वजह से मैं अपना रीजनेबल एश्योरेंस भी ऑब्टेन ना कर पाऊँ? तो डेफिनेटली आई नीड टू सी व्हाट जस्टिफिकेशन द मैनेजमेंट इज गिविंग रिगार्डिंग द चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विच दे आर आस्किंग मी टू डू ड्यूरिंग द ऑडिट। सो आई नीड टू कंसिडर दिस फैक्ट कि क्या जस्टिफिकेशन है और उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, मुझे बिल्कुल देखना पड़ेगा। अब जब मैं ये डिटर्मिन कर लूँगी कि ये जो चेंजेस हैं वो ठीक हैं, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ठीक है, जब ठीक ही है तो रिवाइज़ कर दो अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो इनकी जस्टिफिकेशन से, आपको लग रहा है बेकार में ये मेरे ऑडिट क्वालिटी को ख़राब करने के लिए, मेरी लेवल ऑफ एश्योरेंस को ख़राब करेंगे अगर मैंने इनके चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में आप क्या करोगे? जब एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उल्टा काम क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर दो, मैं ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं ये रिफ्यूज़ कर रही हूँ। लेकिन रिफ्यूज़ल के बाद भी मैनेजमेंट आपको क्या है, मैनेजमेंट अड़ी पड़ी है, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रही है कि आप अपने एग्जिस्टिंग टर्म्स के साथ कंटिन्यू कर पाओ। ऐसा मैनेजमेंट चाह ही नहीं रही है, ना करने दे रही है, तो आप क्या करोगे, आप क्या अपना ऑडिट परफॉर्म कर पाओगे? नहीं, आप अपना ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको स्टैंडर्ड ने बोला है विड्रॉ फ्रॉम दैट एंगेजमेंट और एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को बता दो ऐसा ऐसा है। सो आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी है, ये वाला ऐसे बहुत ही ईजी है विद दीज चार्ट्स, आपको सिर्फ चार्ट्स दिमाग में रखने हैं कि कब कौन सा चार्ट आ रहा है, कब दो एरोज़ निकल के आ रहे हैं।
तो आपको वो याद रखना भी बहुत ईजी है. क्यों? क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझो कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ दिस चार्ट एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल इट. राइट. सो अब हम पढ़ लेते हैं कि फॉर्म और कंटेंट क्या होता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का. ठीक है. सो अभी हमें पूरा एसे तो कवर हो ही गया हमारा ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता है वो उसका फॉर्म क्या होता है, उसका कंटेंट क्या होता है, किस तरीके से बना होता है और क्या क्या लिखा हुआ होता है. सो सी, फॉर्म एंड कंटेंट, अगर मैं बोलूँ कि ये ड्राफ्ट है, ये आप हर एक एंटिटी पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, तो विल इट बी फाइन? नो, इट विल नॉट बी फाइन. बाय बिकॉज इट मे वेरी फॉर ईच एंड एवरी एंटिटी. हर एक एंटिटी के ऊपर अलग ऑडिट एंगेजमेंट बनाना पड़ता है. यू नीड टू मॉडिफाई द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, वॉट एवर ड्राफ्ट यू हैव फॉर ईच एंड एवरी एंटिटी. सबके ऊपर अलग अलग फॉर्म और कंटेंट हो सकता है. हो जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं जनरली. जो आपका स्कोप है ऑडिट का, उसको काफ़ी अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ होता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी एंटिटी है उसकी जो मैनेजमेंट है वो आपके स्कोप ऑफ ऑडिट को अच्छे से समझे. मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसअंडरस्टूड होगी, मिसअंडरस्टूड रहेगी विद द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. तो उस केस में क्या है, आपको अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को उनको रिमाइंड करवाना पड़ेगा फिर से. सो दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन इन इलैबोरेट, दिस इज द स्कोप ऑफ ऑडिट इज़ इलैबोरेटेड इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. ऑल्सो उसमें लिखा हो सकता है कि कैसे आपकी जो ऑडिट एंगेजमेंट करने पर, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पर क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा. दैट में ऑल्सो बी रिटर्न इन योर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. ऑल्सो कि आप बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते. देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क कि मटीरियल में से स्टेटमेंट्स रह जाए इवन आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिट वेल, properly planning the audit, still there is a risk कि आप कुछ material में से statements को detect ना कर पाओ. That is the detection risk may arise. So उस case में आपको इस चीज़ का भी disclaimer दे देना चाहिए in your engagement letter कि भाई inherent limitations की वजह से हो सकता है, even तो मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, but still there are chances कि कुछ misses statements, कुछ not all, क्योंकि आपको reasonable assurance तो obviously obtain करना है. तो कुछ हो सकते हैं material में से statements जो मैं detect ना कर पाऊँ even after doing my work properly. So इस चीज़ का आप एक note सा दे सकते हो, content डाल सकते हो in your audit engagement letter. Also कि किस तरीके से आपने अपने audit engagement को plan किया है और आगे आपका क्या क्या perform करने का किस तरीके से चलेगा, क्या arrangements करे हैं with respect to the performance of the audit as per your plans, तो वो सब आप उसमें बता सकते हो. आप बता सकते हो कि आपकी expectations हैं भाई कि management तो मुझे written representations जब चाहिए होंगे, जिस particular matter के लिए चाहिए होंगे, वो मुझे easily provide कर देंगे, उसमें मुझे कोई problem नहीं होंगी. मेरी क्या expectations है इससे related, I can mention that in my terms of letter of engagement, right? Also अरेंजमेंट ऑफ मैनेजमेंट की जो भी ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल्स चाहिए, फाइनेंशियल्स का ड्राफ्ट चाहिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए फाइनेंशियल से रिलेटेड, वो समय समय पर जब जब टाइमली उसको प्रोवाइड की जाएंगी. इस चीज़ की भी अश्योरेंस, अरेंजमेंट क्या क्या है वो बता सकता है ऑडिटर. ऑल्सो बता सकता है कि मैनेजमेंट अग्री कर रही है कि जो भी फैक्ट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं वो फैक्ट्स को मैनेजमेंट ऑडिटर को टाइमली बताएगी जब भी ऑडिटर मैनेजमेंट को इस बारे में पता चलेगा. हो सकता है ना कुछ फैक्ट्स को मैनेजमेंट ने डिस्कवर कर लिया बट ऑडिटर नहीं कर पा रहा. क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट इज़ क्लोजली रिलेटेड विद द एंटिटी, उसको सब कुछ पता होता है फंक्शनिंग के बारे में. ऑडिटर इज़ डूइंग हिज और हर वर्क बट दे के नॉट ऑलवेज से कि वो सभी इन्फॉर्मेशन सभी फैक्ट्स को निकाल ही लेंगे. हो सकता है थोड़ा सा लेट निकाल पाएँ. तो इसीलिए मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर मैनेजमेंट को कोई फैक्ट्स ऐसे हैं जो ऑडिटर के पता लगाने से पहले पता चलते हैं, सो ऑब्वियसली दे शुड इन्फॉर्म द ऑडिटर अबाउट द सेम. ऑल्सो किस बेसिस पर फीस कंप्यूट की जाएगी, बिलिंग किस तरीके से होगी, ये भी हो सकता है वो अपने लेटर ऑफ एंगेजमेंट में मेंशन कर दे टू कीप द थिंग्स क्लियर. ये ऑब्वियसली ये तो मेंशन होता ही होगा कि फीस किस तरीके से कंप्यूट होगी और कब कब किस किस टाइम पर बिलिंग होगी, क्या पीरियड रहेगा, कितने टाइम के बाद, कितने काम के बाद, ऐसा सब कुछ मेंशन हो सकता है. ऑल्सो
कि ये भी लिखा हो सकता है मैनेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट की हो सकती है कि जैसे ही आपको ये लेटर ऑफ एंगेजमेंट मिल जाए आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करना और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के साथ अग्री कर रहे हो नहीं इस चीज़ के लिए भी हमें बताना, क्योंकि अग्री नहीं कर रहे होंगे तो बात ही ख़त्म है। अग्री ही नहीं कर रहे तो आगे बात ही नहीं होगी, एग्री नहीं कर रहे हम छोड़ देंगे, पूछेंगे क्यों नहीं कर रहे, चेंजेस चाहिए तो क्यों चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। ऑल्सो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपका अगर आपके ऊपर पीयर रिव्यू लगता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग पीयर रिव्यू में अगर आप कवर होते हो सकता है ना जो जिन एंटिटीज़ का आपने ऑडिट किया है उनके डेटा को पीयर रिव्यूअर को आपको दिखाना पड़े। तो इसीलिए आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हो कि जो आपका ऑडिट प्रोसेस है उसमें पीयर रिव्यू भी अप्लाई हो सकता है। सो ये कुछ बातें दी हुई हैं, कुछ कुछ जो आप मान सकते हो कि आपके ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखा होता है। अगर आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी तो इसको पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आपके सामने टर्म्स लिखी हुई है एंगेजमेंट लेटर की तो आप उसको पढ़ के आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ ये लेटर ऑफ एंगेजमेंट हो सकता है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कैसा दिखता है, क्या कंटेंट होता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। नाउ यू नो इट कि इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं और अगर कभी आपको बनाना भी पड़े तो आपको वो ईजिली पता होगा। सो आई होप आपको ऐसे 210 क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिससे कि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ और बेनिफिट्स ले पाएँ। ऑल्सो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आफ्टर वॉचिंग अदर वीडियोज़। ऑल्सो अगर आपको लगता है कंटेंट सब्सक्राइब करने लायक है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। So thank you so much and take care. Bye-bye.